राखी बख्शी और आज हम बात कर रहे हैं आपसे नवदृष्टि टाइम्स और आइकॉन एंड क्रूसेडर अवार्ड्स की तरफ से और हम इसमें बहुत खास मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में समाज को अपनी भूमिका के द्वारा एक नई प्रगति प्रदान कर रहे हैं और देश के उत्थान के लिए भी काम कर रहे हैं। तो हर एक जो वो काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान ये है कि वो लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, समाज को कैसे आगे बढ़ाएं। और ऐसी ही एक हस्ती हमारे साथ इस वक्त हैं, डॉक्टर लवीना गुप्ता, जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की ओर देख रही हैं और इनका काम होलिस्टिक है, एक तरह से हम कहें कि मेडिटेशन में काम करती हैं और टैरो रीडिंग में काम करती हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर लवीना गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए वॉइस ऑफ द नेशन में। जो हम सवाल ये है कि मेडिटेशन की जो अब हम बात करेंगे और हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की, तो एक होलिस्टिक इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं हम, जिससे कि समाज में जो स्ट्रेस है आजकल हम देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ की भी इश्यूज़ हैं, वो कहीं कम हो। लेकिन आप किस तरह से, बताइए हमें डिटेल में किस तरह से काम कर रही हैं? देखिए, आज के टाइम में हर कोई बहुत बिजी है और हर किसी के पास अपने लिए टाइम नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है, हर चीज़ कंपटीशन इतना बढ़ गया है मार्केट में, स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस होता है, बड़े से बड़े इंडिविजुअल को स्ट्रेस होता है, सब लोग आउटसाइड सराउंडिंग में इतना बिजी हैं करियर के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए, स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों को वो कहते हैं स्ट्रेस है एग्ज़ाम्स का, तो इसके लिए मेडिटेशन इज़ मस्ट। मेडिटेशन सबसे पहले हमारा स्ट्रेस रिलीज़ करता है और ऑन अ होल हमें ठीक रखता है। अगर आपका माइंड बैलेंस है तो आप हर चीज़ लाइफ में अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका माइंड ही डिस्टर्ब्ड है, माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, टेंशन्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, तो आप अपना 100% दे ही नहीं सकते। तो जिससे कि आप अपना 100% दें, इसके लिए हमारा सेंटर है सोल सर्च फाउंडेशन, जो कि 18 ईयर से वर्क कर रहा है। हम एवरी वीक इंटेंसिवली वर्कशॉप्स भी करते हैं, फ्री मेडिटेशन क्लासेस रखते हैं, फ्री टैरो सेशंस रखते हैं, फ्री रेकी रखते हैं, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस मिले। लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है कि हम ठीक कैसे हो सकते हैं। एक चीज़ जो कि आप कोई पैटर्न देखती हैं कि आजकल हम देखते हैं टीनेज, फॉर एग्जांपल, टीनेज के जो बच्चे हैं उनमें हम देखते हैं कि कई बार अर्ली एज में ही, यानी उनके अंदर, टीनेज के जो बच्चे हैं खासकर, उनके अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी तरह की समस्याएं होती हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल देखने में या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो आप उनको कैसे डील करती हैं? देखिए, जो टीनेज बच्चे हैं दे मेनली काउंसिल थ्रू टैरो, हम उनको काउंसिल करते हैं टैरो रीडिंग से, जो उनकी समस्या होती है, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है। और टैरो एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए काम आता है, लेकिन टैरो से हम उनको सारी गाइडेंस देते हैं कि उनको लाइफ में कैसे मूव ऑन करना चाहता है, क्योंकि इस टाइम पे इमोशनल इश्यूज बहुत होते हैं बच्चों के साथ और वो हर किसी के साथ ओपन नहीं हो पाते। मैं तो सब पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को ओपन कर पाएँ। तो इसमें हम उनको इमोशनली काउंसिल करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको स्टडीज़ में हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, उनको मेडिटेशन टेक्निक्स बताते हैं जिससे कि माइंड में कंसंट्रेशन पावर बढ़े और अपना 100% वो दे सकें। इसलिए हम ये इंटेंसिवली चीज़ें करते हैं जी। तो लेकिन देखिए, एक मिथ है, ऐसा सोचा जाता है कि जो टैरो रीडिंग कर रही हैं आप, तो कई बार लोगों को लगता है कि एक प्रिविलेज ग्रुप है जिसके लिए करेंगी, क्या वो सेलिब्रिटी हैं या समाज के एक बड़े तबके से आते हैं, लेकिन हम इसको आम लोगों तक इस तरह कैसे पहुंचाएं कि उनमें भी जो है एक स्टेबिलिटी आए और वो सही दिशा में जाएं? इसी के लिए मैंने आपको बताया हम फ्री वर्कशॉप्स करा रहे हैं, बिकॉज बहुत लोगों को कहते हैं कि एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली अफेयर होता है और ये सिर्फ सेलिब्रिटी या बड़े तबके लोगों के लिए है, तो इसलिए हम इसको समाज के लिए फैलाना चाह रहे हैं और एवरी वीक हम फ्री वर्कशॉप्स देते हैं, जिससे कि कोई भी आए और उसको अटेंड कर सके और इसके बारे में जान सके, पहचान सके और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। हम बेसिकली मासेस तक, लोगों तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, हर चीज़ का निदान आप खुद कर सकते हैं, आपके हाथ में है। तो कैसे करना है वो सारा हम आपको टेक्निक बताते हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वंस इन अ वीक हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, जिससे कि हम ये नेशन के लिए अवेयरनेस फैला सकें, जो हमारा इंडिया डेवलपिंग है वो डेवलप्ड हो सके और आगे बढ़ सके। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। और डॉक्टर लवीना गुप्ता, ये आपकी जो लाइन है कि इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाए, उसकी दिशा में आप काम कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।